हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत पैटर्न पेपर के बारे में। संस्कृत कोड नंबर 122 कक्षा 9 प्रश्न पत्र 2020-21 सेट 1, ठीक है ना। टोटल मार्क्स कितना है 80। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपका पैटर्न इसी तरीके में। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ईस्ट डेली है वो उनके पेपर का सर्कुलर आया है अभी। नॉर्थ वेस्ट डेली की तरफ से कोई सर्कुलर स्कूल में नहीं है बच्चों के पेपर को लेकर, ठीक है ना, मिड टर्म के। तो ये ध्यान में रखना, आपको फालतू की वीडियो को देखकर अपनी टेंशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बस सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पेपर भी देखते रहिए, और साथ में बच्चों यूट्यूब वालों का काम क्या होता है, कुछ यूट्यूब वाले क्या करते हैं, अपनी वीडियो चलाने के लिए गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर देते हैं, और बच्चे बार बार देखकर अपनी टेंशन बढ़ाते रहते हैं। तो मैं यही उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि उनको फालतू चीज़ों को देखकर अपनी टेंशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अपना पेपर करते रहें। अभी जिस हिसाब से माहौल है कोरोना का, कुछ कहा नहीं जा सकता बच्चों। आप अपने पेपर की तैयारी करते रहिए, आपका पेपर जब भी होगा ऑनलाइन होगा, होगा तो नहीं तो सीधा आपको प्रमोट किया जाएगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान में रखना। और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आपको फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये पैटर्न आप देख लीजिए, हो सकता है कि टीचर इस पैटर्न पर 80 नंबर पे अगर भेजेंगे तो पूरा पैटर्न ऐसे ही आएगा, और अगर अपने अकॉर्डिंग 40 नंबर का बनाएंगे पेपर, 50 नंबर का बनाएंगे तो इसी में से कुछ क्वेश्चन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पेपर संस्कृत का आएगा, ठीक है। तो आप पैटर्न को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, फालतू की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जब पढ़ाई अच्छे से करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 10 नंबर का पत्र, ये जो मंजूसा दिया होता है इसमें फिल करना होता है। इसी प्रकार अगला जो है ये चित्र देखकर, नीचे मंजूसा दिया होता है, इसमें जो शब्द हैं इन पर हमें संस्कृत में लाइन बनानी होती है देखकर, ठीक है ना। तो ये दो ध्यान में रखना आप, आगे देख लीजिए, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने पैटर्न समझा दिया है, आप अच्छे से तैयारी करते रहना, फालतू की बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी कोई सर्कुलर नहीं है स्कूल की तरफ से, जैसे भी होगा क्लियर, ठीक है ना, आपको सलाह दी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी कोई भी सर्कुलर इश्यू होगा फटाफट आपको मैं अपडेट बताऊँगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।